केजरीवाल सभी क्या पुतला एक बार नहीं दो दो बार रही। अब ये भी जल गया है, ये दूसरा पुतला। ये देखिए इस तरीके केजरीवाल, दिल्ली की जनता यहाँ पे धूलों से जल गया केजरीवाल का पुतला। और ये केजरीवाल का पुतला बहुत जल्दी गिर गया है। बोले हवाई खाओ के जीवाल का पुतला, के जीवाल का पुतला यहाँ पे जल गया है। ये जलेगा ना ये सारे पीछे। हाँ अरे बच के रहे ना, कहीं पता चला भाग रहे। ओए ओए आ गया, आग लगी। ये देखिए केजरीवाल का पुतला फूंका जा रहा है यहाँ पे। रावण बन गया केजरीवाल यहाँ पे। शराब घोटाला, बिजली घोटाला, भाई बात मान जाओ, और क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला। तो केजरीवाल के पुतले को देख रहे हैं। अरे मैं केजरीवाल मर जाएगा यार। अरे वो यही से पूछा है। देखिए किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। सर अलग हो जाइए, जी मान दादा। देखिए आइए सर, बिल्कुल। ये देखिए है तो ना, आने दीजिए मैडम, आप भी आएंगे, कैसी बात बनेगी। हाँ दादा केजरीवाल लाज तो ना कि क्या ही देंगे। दिल्ली सरकार जो है हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार।
खिलाफ आज हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के प्रतिबंध अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार में कोई अंतर नहीं, दोनों एक पर्याय मनीष सिसोदिया उनके साथी प्रमुख साथी उनके प्रमुख साथी वो भी भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर ये पुतला फूंक रहे हैं, ये प्रतीक है। लेकिन दिल्ली की जनता ने तय कर लिया, जो कमीशन बोर्ड हैं जो दलाली करते हैं दिल्ली की जनता के जो टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की स्थान अब दिल्ली में नहीं है, देश में नहीं है, उनको यहाँ से जाना ही होगा। और भ्रष्टाचार का ये पुतला हम लोग फूंक कर ये संकल्प करें। थैंक यू। आगे जिस तरह की जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं
हमको नहीं पता था।